छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 42 के उपचुनाव को लेकर मतगणना पीजी कॉलेज में संपन्न हुई है, जिसमें भाजपा पार्षद प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान एवं कांग्रेस प्रत्याशी राजू स्वामी के बीच चुनावी टक्कर थी। वार्ड नंबर 42 में महिला एवं पुरुष मिलाकर 3,334 वोटर थे, जिसमें 2,040 वोटर ने अपने मत का प्रयोग किया। आज के चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान को 1,226 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस प्रत्याशी राजू स्वामी को 790 वोट मिले हैं। नोटा में 24 वोट डाले गए हैं। वार्ड नंबर 42 में फिर खिला कमल। संदीप सिंह चौहान ने 436 वोटों से जीत दर्ज की है। 1,226 मतदाताओं की कुल संख्या 3,334, डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या 2,016, इनमें से कोई नहीं अर्थात नोटा को प्राप्त मतों की संख्या 24, प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 0, निविदत्त मतों की संख्या 0। विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा मैं घोषित करती हूँ कि संदीप सिंह चौहान। ये जो चुनाव है ये जनता का आशीर्वाद था और ये कमलनाथ की हार है, कमलनाथ के दारू और पैसे की हार है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, हमारे देवतुल कार्यकर्ता और हमारे वार्ड की जनता का मुझे आशीर्वाद मिला है। कमलनाथ ने जितना भी अफवाह फैलाया, कमलनाथ ने जो दारू पैसा बांटा, ये उसकी हार है। कमलनाथ को जनता नापसंद कर रही है। अब कमलनाथ का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी हो चुकी है, जनता ने उसे नकार दी है। कमलनाथ को जनता कह रही है कि आप वापस जाओ, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जनता की सेवा करेगी। बीसीएन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत।